डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर जनता दर्शन का कार्यक्रम है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहां पर अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम उनके आवास की दिखा रहे हैं जहां पर तमाम पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में जो है वो फरियादी भी पहुंचे हैं। दूर दराज के ज़िलों से भी ये लोग आए हैं। हालांकि जो ज़िले के अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अब जो है वो लखनऊ न पहुंचे, यहाँ पर शिकायतें न लेकर पहुंचे और जिसको लेकर जो है वो आप लोग उसी जगह पर जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करें। लेकिन बावजूद इसके ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग मंत्रियों तक पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं अधिकारियों की ज़िलों में लापरवाही के चलते इतनी बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है। बहरहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थोड़ी देर में अभी निकलेंगे और तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, एक एक लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जानेंगे। ये जो लाइन लगी हुई है, तमाम लोग जो बैठे हुए हैं ये उन्हीं के इंतज़ार में बैठे हुए हैं क्योंकि विभिन्न ज़िलों से लोग यहाँ पे अपनी फरियादों को लेकर आए हुए हैं। बात भी कर लेते हैं एक आध लोगों से। कहाँ से आए भैया? औरैया से। क्या दिक्कत हो गई सर? जमीन पर मेरे कब्जा के संबंध में आए थे शिकायत के लिए। जिले के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं क्या? जिले के अधिकारी कोई भी नहीं सुन रहा है। कई बार एसडीएम साहब को भी दिया लेटर और उसे डीएम साहब को भी दिया, ना पुलिस सुन रही है। कारण है वर्तमान में जो विपक्षी है वो पुलिस में सेवा रहता है, इसलिए उसके कोई सुन नहीं रहा, जबकि लेखपाल रिपोर्ट मेरे संलग्न है, फिर भी जबरदस्ती मेरी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जमीन पे कब्जे की बात है, यहाँ पर लोग आए हैं क्या? बाबा जी कहाँ से आए? जी सर, हम बलिया उत्तर प्रदेश से आए हैं और हम 1974 में इंटरमीडिएट पास करके टेक्निकल लाइन में आ गए थे। एक हमारा रिश्तेदार मिलिट्री में रहता था, हमारे खिलाफ़ राष्ट्रपति के यहाँ अप्लीकेशन लगाया, राष्ट्रपति जो है जादूगर भेज दिए, जादूगरों ने हमारे चाचा पिता चचेरा भाई तीन का मर्डर कर दिया जनता को मिला करके। और बीमारी पैदा करने वाला केमिकल उसके पास हर प्रकार का है, जो कभी मूड पर डाल दें कहीं चाय नाश्ता में दिलवा करके दवा करते करते 2 एकड़ जमीन खराद मशीन बर्मा मशीन बिल्डिंग मशीन बेरिंग रिपेयर के स्पेयर पार्ट और घर तक 5 साल में बिक गया। अब हम भटकने लगे। 1990 में फिर हम गुरु महाराज के लाइन में आ गए। अरे अभी क्या समस्या है, यहाँ आए हैं, इतनी लंबी कहानी बताएंगे तो कैसे चलेंगे? हम राष्ट्रपति जी के यहाँ दौड़े हैं, बातें 2019 से मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो हम मंत्री जी के पास आए। यहाँ क्यों आए हैं? उप मंत्री जी के पास हम आए हैं इसलिए कि हमारी जो है कागज़ पर सुनवाई हो के हमको जो है किसी भी माध्यम से राष्ट्रपति के यहाँ तक पहुँचाया जाए। राष्ट्रपति से मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, तमाम और लोग हैं, तमाम समस्याएं लेकर आए हैं। क्या नाम है मैम, कहाँ से आई हैं? नीता नाम है, कछोना से आए हैं। क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ये हो गई है कि हमें बीजेपी तरफ से हमें टिकट मिला था और हमें मतलब कंजट बिरादरी समझ के हराया गया। 3 वोटों से मैं जीत चुकी थी, मुझे हराया गया। मैं चाहती हूँ कि मुझे फिर से चुनाव हो, मतगणना फिर से हो। तो ये तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मानेंद्र। क्या क्या दिक्कत हो गई? हम लोग लगभग 200 लोग यहाँ पे आए हैं, इस टाइम पे उपस्थित हैं और हम लोग फार्मासिस्ट हैं, होम्योपैथी फार्मासिस्ट। हम लोग का जो है अभी तक कोर्ट चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, 15 दिन हो गए लगभग कोर्ट केस निस्तारित हुए। अब जो है हम लोग का कोर्ट केस निस्तारित हो गया है, बट UP SSC जो है अभी तक हम लोग की फाइल नहीं भेज रही है विभाग में, जिससे हमारे लोग की नियुक्ति रुकी हुई है। हम लोग 414 लोग हैं टोटल, जिसमें अभी 200 लोग यहाँ उपस्थित हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पहले बोला था कि जब भी आप लोगों का जो है केस निस्तारित हो जाएगा आइएगा हमारे पास, हम एक जो है 2-3 दिन में काम करा देंगे आपका, तो इसीलिए हम लोग मिलने आए हैं। और हमारे ये तमाम लोग हैं, ये समस्या लेकर यहाँ पर आए हैं, अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की, बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। डिप्टी सीएम से अपनी फरियाद सुनाएंगे। बहरहाल अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा है, किसी के अन्य मामले हैं, उनको लेकर यहाँ पे अभी मुलाकात करेंगे और ज़रूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की डिप्टी सीएम की तरफ से दिए जाएंगे। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।